गाइस, वेलकम टू बैक टू द चैनल। आज हम बनाने वाले हैं चिकन चिली टोस्ट। आज मैं आपको रेसिपी इसको डिस्क्राइब करने की तो जरूरत नहीं है मेरे को, ये कितना इजी एंड सिंपल डिश है, जस्ट 15 मिनट में बन जाता है। आज हम इसका टेक्निक्स और कुकिंग मेथड के बारे में जानेंगे, कैसे विदाउट ओवन भी हम इसे बना सकते हैं। मैं आपको इसमें दो टेक्निक्स बताऊंगा, तो वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले कीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो हमने गैस लिया है 50 ग्राम ऑफ बटर, थोड़ा हमने मेल्ट कर दिया है, थोड़ा रूम टेम्परेचर में रख के इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून ऑफ गार्लिक। गिव इट ए गुड मिक्स। गार्लिक बटर हो गया रेडी। हमने लिया ब्रेड्स, ये रेगुलर ब्रेड्स है, छोटे छोटे ब्रेड्स है, देखिए मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, तो हमने इसलिए इस ब्रेड को लिया है। मैं गार्लिक ब्रेड नहीं लिया क्योंकि वो हर जगह अवेलेबल नहीं होता है। बटर को ब्रश करेंगे। ब्रश यूज करने से क्या होता है, आपका जो बटर है वो एक्सेस नहीं जाता, जितना चाहिए होता है उतना ही ब्रश में आता है, और एक ही ब्रश में आपका बटर वेस्ट हो जाता है। अभी हम डालेंगे इसमें ये स्लाइस वाले चीज, इसको तोड़ तोड़ के डालिए गैस में। इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा क्रीमिनेस का फ्लेवर आ जाता है, टेक्सचर आ जाता है। इसे तोड़ तोड़ के डालिए, हर तरफ फैला के डालिए। एक स्लाइस चीज आपका थिन ब्रेड में आ जाएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, इसमें मेयोनेज डाल देते हैं। इसमें क्या होता है, आपका जो मेयोनेज होता है वो 70% ऑफ आपका ऑयल होता है। उसमें क्या होता है, आप जब हीट देते हैं तो कोआगुलेट कर जाता है, मतलब छूट जाता है, तो उसमें मेयोनीज का टेक्सचर बहुत बिगड़ जाता है। अगर आप ये चीज़ यूज़ करेंगे तो आपका जो टेक्सचर है क्रीमिनेस का वो बहुत ही अच्छा आएगा। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल करेंगे। ये मैंने लिया है 1 चम्मच आपका चिली फ्लेक, 1 चम्मच ऑरिगेनो, और उसको मिला लिया है। थोड़ा स्प्रिंकल कर देंगे हल्का हल्का। अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा वेजीज, आपको जिसको जितना डालना है डाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा ही ऑनियन और आपका कैप्सिकम डालूंगा, आपको जो जो वेजीज है आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। बहुत सारे लोग इसमें ब्रोकली या तो कॉर्न, पनीर, आपको जो भी ऊपर का स्टफिंग चाहिए, टॉपिंग्स चाहिए, आप डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर हम डालेंगे बेल पेपर्स, ज़्यादा नहीं, दो तीन ही डालेंगे। जितना लाइट होगा उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने से टेस्ट डिफर कर जाता है। अभी हम इसके ऊपर डालेंगे आपका श्रेडेड मोजरेला, और आपका नॉर्मल मोजरेला भी अवेलेबल होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप वो भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास, अगर आपके मार्केट में मोजरेला अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल प्रोसेस चीज भी यूज कर सकते हैं। अभी हम डालेंगे इस पे चिकन का टॉपिंग। ये चिकन को हमने क्या किया है, पहले इसमें डाला है हमने, चिकन में मैरिनेट करके थोड़ा रख दिया था, इसमें नमक, मिर्ची और ब्लैक पेपर, बस इतना डाल के रखा, फिर सीधा इसको थोड़ी देर सौते करके बाहर निकाल दिया। हम इसमें डालेंगे चिकन,
दीजिए। तो हमारा गार्लिक ब्रेड रेडी हो गया। अब हम करेंगे इसको टोस्ट। हम इसको दो टाइप से टोस्ट करेंगे, मैं आपको आगे प्रोसीजर देखते रहिए, मैं आपको दोनों तरीका बताता हूँ। अभी हम ऐसा एक पैन लेंगे, थोड़ा फ्लैट पैन, आप चाहिए तो तवा भी ले सकते हैं। और इसको थोड़ा मीडियम हीट में पहले गर्म कीजिए, इसमें से थोड़ा सा ऑयल डालिए, उसको कीजिए थोड़ा सा ब्रश चारों तरफ से, फिर डाल दीजिए अपने चिली टोस्ट। हीट को कीजिए स्लो और इसको कर दीजिए कवर, कम से कम 2 से 3 मिनट इसको ऐसे पकने दीजिए। ये हो गया हमारा पहला मेथड, इसको कवर करके ऐसे 2-3 पकने दीजिए, वो चीज़ अपने आप मेल्ट हो जाएगा और नीचे से अच्छा खासा क्रिस्पी बन जाएगा। 3 से 4 मिनट हो गए और हम चेक करेंगे ये नीचे से हो गया है नहीं हुआ है। चीज़ भी मेल्ट हो गया है और नीचे से भी बहुत अच्छा पक गया है। अभी हम करेंगे गैस बंद और इसको ऐसे ही और 1-2 मिनट छोड़ देंगे, इससे क्या होगा चीज और भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। अभी हम बनाएंगे दूसरा मेथड। इसमें क्या करना है, हम एक पतीला लेंगे ऐसा और उसके अंदर डाल देंगे रेत, थोड़ा सा 1 अंगूठा जैसा लेयर डालिए, जस्ट इतना, देखें इतना सा ही रेत डालिए और उसको कर दीजिए हर तरफ से समान। उसके अंदर हम ऐसा एक रैक डालेंगे, हम एक केक टिन लिए हैं और इसको कर देंगे ऑयल से ब्रश। हमने टोस्ट को इसमें पैन में डाल दिया, अब इसको डालेंगे हम अंदर, इसको कर दीजिए कवर, कोई हेवी चीज डाल दीजिए इसके ऊपर, मैं पहले वाला पैन ही डाल दिया हूं। ये हो गया हमारा देसी ओवन। और गाइस ट्रस्ट मी, ये सबसे बहुत इजीली बन जाता है और इस टेक्निक से आप केक भी बना सकते हैं, पिज्जा भी बना सकते हैं, मैं आपको आगे वीडियोस में दिखाता रहूंगा। और ये बहुत जल्दी हीट हो जाता है। मेरे पास एक पिज्जा स्टोन ओवन भी है, मैं आपको उसको और कभी दिन दिखाऊंगा, फिलहाल मैं आज आपको इसमें दिखाता हूँ। अभी हम चेक करते हैं इसका स्टेटस क्या है। गाइस इसको डायरेक्ट हाथ मत लगाना, मैं तो हाथ जल जाएगा। गाइस देखिए ये बन गया रेडी। अब हम इसके करेंगे प्लेटिंग।